हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द अर्बन जोड़ी। अगर आप सबने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आज हम आप सबको ले जाने वाले हैं ओमान में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे जो मस्कत से बिल्कुल 1 आवर की ड्राइव पे है, बरका एरिया के पास। तो चलते हैं हम हमारे लोकेशन की तरफ। We are going to take you today to a beautiful resort in Oman. जैसे कि आप सब अगर हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो यू नो दैट कि वी लाइक एक्सप्लोरिंग ओमान और यहाँ के रिसॉर्ट्स एंड होटल्स भी। सो ये है ड्यून्स बाय अल नादा। ये बरका एरिया के पास है रिसॉर्ट और बिल्कुल डेजर्ट के बीच में है। इट इज सच अ ब्यूटिफुल लोकेशन। इस लोकेशन पे आने के लिए आप लोगों को मस्कत एक्सप्रेस वे लेना पड़ेगा और जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया है आपको राइट साइड पे एग्जिट लेना पड़ेगा एंड यू विल सी ड्यून्स ऑन योर राइट साइड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल द अर्बन जोड़ी। अगर अभी तक आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आज हम आपको लेकर आए हैं ओमान में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसॉर्ट में विच इज ड्यून्स बाय अल नादा। आप देख सकते हो ये रिसॉर्ट जो है वो बिल्कुल डेजर्ट के बीच में है। एक्चुअली ये रिसॉर्ट बरका एरिया में है विच इज मस्कत से 1 आवर की ड्राइव पे और ये बिल्कुल डेजर्ट है। सो जैसे कि आप देख रहे हो मस्कत सिटी से आप सीधा डेजर्ट पे आ जाओगे 1 आवर की ड्राइव पे। ये वन ऑफ अ काइंड रिसॉर्ट है। मोस्टली ओमान में जितने भी रिसॉर्ट्स हैं ना वो सारे बीच फ्रंट के पास है या बीच स्पॉट्स है, लेकिन ड्यून्स जो है वो डेजर्ट में है। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ अ काइंड और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है। इट इज़ अ 5-स्टार रिसॉर्ट और यहाँ पर नाइट स्टे की कॉस्ट अगर मैं बोलूँ तो अराउंड 100 ओमानी रियाल से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर रूम्स ऐसे टेंट्स हैं, टेंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, लग्जूरियस टेंट्स हैं या फिर डबल रूम के टेंट्स हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेंट्स हैं। एंड द प्लेस इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है एंड बहुत सारे एमिनिटीज़ भी हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। सो आगे देखते हैं रिसॉर्ट में और क्या क्या है। As you all can see, यहाँ rooms वगैरह tents की तरह बनाए गए हैं and that is why it is such a beautiful experience to stay over here. यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगी, कॉट बाइकिंग हो गई, कैमल राइड हो गई या फिर यू नो ऑल अदर एक्टिविटीज़ जो होती है वो सब कुछ आप कर सकते हो। इनफैक्ट डेजर्ट के बीच में यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल। यू कैन सी द पूल इज़ अराउंड दैट साइड एरिया विच इज़ आर प्राइवेट प्लेस
एंड दैट वन इज़ द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जाने के लिए इन लोगों ने अलग से यू नो राइड्स दी हुई हैं, तो राइड्स आपको पिकअप करती हैं एंड देन रेस्टोरेंट तक लेकर जाती हैं। दिस प्लेस इज वेरी मच ब्यूटिफुल एंड एक्चुअली ये प्लेस जो है अप्रैल टू जो मंथ होता है ये गर्मी वाला मंथ अप्रैल मई जून जुलाई ये मंथ्स में क्लोज रहता है बिल्कुल, लेकिन जो एंड ऑफ द ईयर का है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहती है, लोकल्स की हो या फिर टूरिस्ट की हो काफ़ी ज़्यादा रश रहती है बिकॉज इट इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल प्लेस। जो रेस्टोरेंट एरिया है वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है एंड ऑल्सो यहाँ का फूड भी जो है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का है, सो यू कैन एंजॉय ऑल योर मील्स ओवर हियर। मेन्यूज मोस्टली फिक्स्ड रहते हैं बट खाना काफ़ी अच्छा है। सो डेजर्ट के बीच में पूल कितना ज़्यादा ब्यूटिफुल है एंड द प्लेस इज़ ऑल्सो सो मच नाइस यू नो इट सूदिंग। इतनी गर्मी में भी पूल यहाँ पे यू नो मेंटेन करके रखना इट्स टू डिफिकल्ट एंड द वाटर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। हम लकी हैं कि हम ऐसे डे पे आए हैं जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश होती है ना कि यू कैन नॉट एन्जॉय योर मी टाइम। लेकिन ये जगह इतनी अच्छी ब्यूटीफुल है कि वंस इन अ वाइल अगर आप ओमान में आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको यू नो इस जगह को विजिट करना ही चाहिए, इट्स दैट मच ब्यूटीफुल। एंटायर रिसॉर्ट में मेरा फेवरेट लोकेशन ये पूल एरिया ही था। यहाँ से सनसेट आपको काफ़ी ज़्यादा यू नो ब्यूटीफुल लगता है और बिल्कुल इन्फिनिटी पूल की तरह है, मतलब पूल एक साइड और दूसरी तरफ इन्फिनिटी लैंड। अगर आप सब फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख रहे हो अभी अगला दिन हो गया हमारे स्टे को और मॉर्निंग में वी आर एंजॉयिंग बाइक राइडिंग ओवर हियर, बाइक मतलब साइकिल। सो आप देख रहे हो पीछे अभिषेक जो है ही इज़ एंजॉयिंग दैट अलॉट क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है साइकिलिंग एंड मैंने तो 10 साल के बाद आज साइकिलिंग करी है, सो आई एंजॉयड अलॉट एंड द व्यू इज़ टोटली ब्यूटिफुल। मॉर्निंग का व्यू भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आपको बहुत सारी साइकिल्स मिलती हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, हर तरह की यू नो साइकिल्स मिल जाएंगी मॉर्निंग में। ये आपके स्टे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता अलग से, सो यू कैन टेक इट, यू कैन रोम अराउंड यहाँ पे प्रॉपर्टी के पास। सो यू नो यहाँ पे जो आपको पे करना पड़ता है वो है ड्यून बैशिंग के लिए या फिर अगर आप क्वाड बाइकिंग यूज़ कर रहे हो या कैमल राइड ले रहे हो, इन सब के लिए आपको पे करना पड़ता है। बाकी एक्टिविटीज़ जैसे काइट फ्लाइंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, फ्रिस्बी खेलना हो गया, ये सब फ्री है यहाँ पे प्रॉपर्टी में। ऑल्सो पूल अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है सो वी आर नॉट गोइंग, आफ्टर सम टाइम वी विल गो टू द पूल। यहाँ पे पूल में एक प्रॉब्लम है बस यही कि वाटर टेम्परेचर एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे कि शंग्रीला में ऑटोमेटिक वाटर एडजस्टमेंट है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए पानी हल्का ठंडा रहता है बट थोड़े टाइम के बाद पानी वार्म हो जाएगा। द व्यू इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आज हमारा लास्ट डे ऑफ स्टे है, 11 o'clock वी हैव टू चेक आउट एंड देन वी विल सी यू बैक इन मस्कत अगेन।
यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ क्वाड बाइकिंग और जो ड्यून बैशिंग है ये एक्टिविटीज़ इंजॉय करने के लिए भी आते हैं। अगर आपको स्टे नहीं करना, ये एक्टिविटीज़ ही सिर्फ करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। वी होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड enjoyed दिस वीडियो। ऐसी बहुत सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द अर्बन जोड़ी, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, कमेंट्स अगर आपको ओमान के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।